नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंग्लिश और आप देख रहे हैं कारपॉइंट हिंदी चैनल। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं अपने डेली ऑटोमोबाइल न्यूज़ का वीडियो नहीं डाल पा रहा था। उसका एक कारण तो दोस्तों ये था कि मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं था। दूसरा रीज़न दोस्तों ये है कि मैं रेगुलर जो वीडियो डालता हूँ अपने एक या दो दिन बाद, तो उसके साथ मुझे एक वीडियो अलग से और डालना पड़ रहा था ऑटोमोबाइल न्यूज़ का। यानी कि एक दिन में दो वीडियो अपलोड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक वीडियो शूट करने के बाद मुझे उसे एडिट करना पड़ता, उसको अपलोड करना पड़ता था, और दूसरा वीडियो शूट करने के बाद उसे एडिट करके अपलोड करना पड़ता था। तो दोस्तों इसमें काफ़ी समय लग रहा था और वीडियो को अपलोड करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता था, मतलब कि रात के 8-9 बज जाते थे कभी कभी, तो इससे भी ज़्यादा टाइम हो जाता था। तो आप लोगों को जो प्रॉपर न्यूज़ है वो समय पर नहीं मिल पाती थी। और इसका एक रीज़न दोस्तों ये भी था कि दिन भर की अगर खबर देनी है मुझे तो 6 बजे तक मुझे कम से कम वेट करना पड़ता है, तब मुझे पूरी खबरें मिल पाती हैं। और 6 बजे के बाद की भी जो खबरें रहती हैं वो नहीं दे पाता, क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो बना चुका होता हूँ, अपलोड करता हूँ, तब तक और भी खबरें आ जाती हैं। तो दोस्तों अब मैंने डिसाइड किया है कि रोज़ एक वीडियो ना देने की जगह एक वीडियो में आपको रेगुलर जो मेरे वीडियो आते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वो वीडियो दूंगा, और दूसरा जो वीडियो रहेगा वो ऑटोमोबाइल्स की न्यूज़ से रिलेटेड रहेगा। यानी कि दो दिन की जो ऑटोमोबाइल न्यूज़ है वो एक दिन में आया करेगी। यानी कि दोस्तों अल्टरनेट वीडियो आया करेंगे और हर दिन एक वीडियो आपको मिलेगा इस तरह से, एक रेगुलर वीडियो और एक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड न्यूज़ का वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो वो स्टार्ट कर लेते हैं। और जो पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है जीप की तरफ से। जीप ने अपनी कंपास का स्पोर्ट वेरियंट आज इंडिया में लॉन्च कर दिया, और जो प्राइस रखी गई है वो 15.99 लाख रखी गई है। तो इस जीप कंपास में दोस्तों आपको काफ़ी फीचर एज ए स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, जैसे कि 16 इंच के अलॉय व्हील, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और बहुत सारे फीचर आपको एज ए स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। तो ये आज इंडिया में लॉन्च कर दी गई है और प्राइस रखी गई है 15.99 लाख। तो ये खबर थी दोस्तों जीप की तरफ से। और अगली जो खबर है दोस्तों वो आ रही होंडा की तरफ से। तो होंडा की जो नेक्स्ट जनरेशन सिटी है वो 2020 में इंडिया में लॉन्च की जाएगी, और ऐसी खबर भी आ रही है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरी तरह से डिजिटल होगा, यानी कि सीबिक की तरह आपको दिखेगा। तो ये खबर आ रही थी होंडा की तरफ से। और अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है एमजी की तरफ से। तो एमजी की आने वाली एसयूवी हेक्टर को इंडिया वो जल्द ही लॉन्च करने वाला है, और अब इसके इंजन वेरिएंट भी अब सामने आ गए हैं, यानी कि जो इसमें इंजन आएंगे उसकी डिटेल भी कुछ सामने आई है। इसमें दोस्तों आपको दो इंजन विकल्प मिलेंगे, एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, और ये इंजन एक हाइब्रिड इंजन होगा, और इंडिया की ये पहली एसयूवी होगी जिसमें हाइब्रिड इंजन के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें 2.0 लीटर का एक डीजल इंजन भी दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों इसमें आपको काफ़ी सारे कनेक्टिंग फीचर मिलेंगे, और ये ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में उपलब्ध होगी। तो आने वाले समय में दोस्तों आपको ये एसयूवी देखने को मिलेगी इंडिया में। और अगली जो खबर है दोस्तों वो भी एमजी की तरफ से आ रही है। एमजी ने कहा है कि अगले 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर हम 5 एसयूवी इंडिया में लॉन्च करेंगे। साथ साथ दोस्तों ये भी बताया है कि 2021 तक कोई भी हैचबैक या कोई भी सेडान कार एमजी इंडिया में लॉन्च नहीं करेगा। एक न्यूज़ दोस्तों ये भी आ रही है कि एमजी इसी साल अक्टूबर या नवंबर में एक एसयूवी लॉन्च करेगा जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी, और इसकी जो रेंज होगी वो 300 किलोमीटर की होगी, यानी एक बार चार्ज करने पे इसको आप 300 किलोमीटर तक ड्राइव करेंगे। तो ये खबर दोस्तों आ रही थी एमजी की तरफ से। और अगली जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है लैंड रोवर की तरफ से। तो लैंड रोवर नवंबर या अक्टूबर में एक हाइब्रिड एसयूवी इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, और ये लैंड रोवर की पहली एसयूवी होगी जो कि हाइब्रिड मोटर के साथ इंडिया में लॉन्च की जाएगी। तो ये एक हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी, और ये लैंड रोवर की पहली एसयूवी होगी जो एक हाइब्रिड मोटर के साथ इंडिया में लॉन्च की जाएगी। तो ये खबर आ रही थी लैंड रोवर की तरफ से। और अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो आ रही है रेनो की तरफ से। तो रेनो की एक एमपीवी आने वाली है इंडिया में, यानी इसी साल की छमाई में एक एमपीवी लॉन्च करने वाला है, और ये अटकलें काफ़ी दिनों से चल रही थी कि एक 6 सीटर क्विड आने वाली है। उसका जो दोस्तों फाइनली जो नाम है आज कंपनी ने लॉन्च कर दिया, ट्रिवर इसका नाम रखा गया है, और ये जो एसयूवी आपको इस साल की छमाई में देखने को मिल जाएगी, और ये क्विड के प्लेटफॉर्म पर ही बेस होगी। हालांकि दोस्तों आने वाले समय में ज़्यादा डिटेल पता चल पाएगी इस एमपीवी के बारे में। तो ये खबर आ रही थी रेनो की तरफ से। और अगली जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से। तो मारुति ने अपनी इको को हाल ही में अपग्रेड किया था सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से। इसमें काफ़ी फीचर जो थे वो एज ए स्टैंडर्ड जोड़ दिए गए थे। तो अब इसका जो प्राइस है दोस्तों वो भी बता दिया गया है, 3,55,000 रुपये से इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट होगा, और जो इसका टॉप वेरियंट है वो 4,65,000 तक जाएगा। तो ये खबर थी मारुति की तरफ से इको के लिए। जो अगली खबर है दोस्तों वो भी मारुति की कार सेलेरियो के लिए है। सेलेरियो में दोस्तों सेफ्टी फीचर जो थे पहले से आते थे, लेकिन अब एज ए स्टैंडर्ड आपको काफ़ी सारे फीचर इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो ये खबर आ रही थी मारुति की तरफ से इको और सेलेरियो के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी कार के बारे में। अब बात करते हैं बाइक्स की। तो बाइक के लिए सबसे पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। रॉयल इनफील्ड ने बुलेट को अभी इसके साथ इंडिया में लॉन्च कर दिया, और उसकी जो प्राइस रही है वो 1,21,000 रुपये रखी है। तो रॉयल इनफील्ड की जो बुलेट आती है उसमें आपको अब ABS स्टैंडर्ड मिलेगा।
और दूसरी जो खबर है दोस्तों वो भी रॉयल इनफील्ड की तरफ से आई है। रॉयल इनफील्ड ने बताया है कि फरवरी महीने में जो 200 सीसी से लेकर 500 सीसी तक की जो सबसे ज़्यादा बाइक बिकी है वो रॉयल इनफील्ड की बिकी है। तो ये दोस्तों खबर थी रॉयल इनफील्ड की तरफ से। अगली जो खबर है दोस्तों वो आ रही है बजाज की तरफ से। तो बजाज ने दोस्तों पल्सर की 1,00,000 यूनिट मार्च के महीने में बेची है। तो पहली बार दोस्तों बजाज की पल्सर रेंज की जितनी भी बाइक्स आती हैं उनको मिलाकर टोटल 1,00,000 बाइक बजाज ने बेची हैं मार्च के महीने में। तो ये खबर आ रही थी बजाज की तरफ से। और अगली जो खबर है दोस्तों वो ये बजाज की तरफ से है। बजाज की CT 100 में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलेगा, यानी CBS अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो प्राइस रहेगी वो 33,152 करीब 33,152 रहेगी। तो ये खबर आ रही थी बजाज की तरफ से। और अगली जो खबर है दोस्तों वो आ रही है होंडा की तरफ से। तो होंडा ने अपनी अफ्रीका ट्विन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इसकी जो बुकिंग है वो लेना स्टार्ट कर दी है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी ने कहा है केवल हम इसकी 50 यूनिट इंडिया में बेचेंगे, यानी कि 50 कस्टमरों को ही ये प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसका जो प्राइस है दोस्तों वो रखा गया है 13,50,000 के करीब। तो इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है और ये एक एडवेंचर बाइक है, काफ़ी फेमस बाइक है। और इसका इंडिया के केवल 22 डीलरों पर इसकी बुकिंग की जाएगी। तो ये खबर आ रही थी होंडा की तरफ से। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो आ रही है TVS की तरफ से। तो TVS ने दोस्तों ये दावा किया है कि रेडियन को जब से हमने लॉन्च किया तब से हमने इसकी 1,00,000 यूनिट बेच दी है, यानी कि 7 महीने के अंदर 1,00,000 यूनिट हमने रेडियन की बेच दी है। तो ये खबर आ रही थी TVS की रेडियन के लिए। और अगली जो न्यूज है दोस्तों वो आ रही है KTM की तरफ से। तो KTM ने अपने ड्यूक 125 का जो प्राइस है वो करीब 6,800 के करीब बढ़ा दिया है और इसका जो अब एक शोरूम डेली प्राइस होगा करीब 1,25,000 से ज़्यादा होगा। तो ये खबर आ रही थी KTM की तरफ से। तो ये थी दोस्तों ऑटोमोबाइल से रिलेटेड 2 दिन की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए और सेफ ड्राइविंग कीजिए। धन्यवाद।